कि आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है? यस मैडम। क्यों बुलाया है? डिस्कशन के लिए। किस विषय पे? I don't know। ओहो, बीमा निगम का नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। ऐसी नौबत रही तो बीमा निगम को अपना बीमा कराना पड़ेगा। गांव में जितने भी जानवरों का बीमा किया है, कुछ दिन के बाद वो सब मर जाते हैं। Very good question। लेकिन इसका आंसर मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है लोग अपने जानवर खुद ही मार देते हैं बीमे का पैसा पाने के लिए। यही तो। डॉक्टर शुक्ला, आप अपनी जांच फूक फूक कर करें। हाँ डॉक्टर शुक्ला, क्या है, अभी कोई भी जानवर मरे तो अंदर तक जाकर जांच करें ना। यस मैडम, अब मैं फूक फूक के जानवर के अंदर घुस जाऊंगा। ना, अंदर तक मत जाइए वरना आपकी जांच करनी पड़ेगी। यही तो। डॉक्टर शुक्ला, आपके पास जो भी केस आए आप उसके बेस तक जाएं और उसका सही फेस दिखाएं। मैडम आपकी कसम, डंगर डॉक्टर शुक्ला ऐसा जांच करेगा। कैसे जांच करेगा? अब आप ये तो सोचा ही नहीं कैसे जांच करेगा। ना भैया, आपका बैल एक्सीडेंट में नहीं मरा तो आत्महत्या की होगी। बैल ने? नहीं तो क्या मैंने? तो बैल क्यों आत्महत्या करेगा? भैया डॉक्टर, आदमी आत्महत्या कर लेते हैं तो बैल आत्महत्या कर लिया होगा। आदमी तो जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करता है। तो बैल भी जिंदगी से तंग आकर के आत्महत्या करता है। ऐसे कैसे तंग आ जाएगा बैल जिंदगी से? वाह बेटा, पूरे दिन उसको खेत में जुटवाओ, फिर कहो कि बैल ओवर टाइम कर, तो बैल लाइफ से नहीं तंग होगा तो क्या आपकी वाइफ से तंग होगा? शुक्ला जी। ना भैया, क्लेम कैंसिल। शुक्ला जी, मेरा नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। देखो भैया, तुम्हारा काम हम नहीं कर सकते, पटेल साहब इंस्पेक्टर है, उनके पास जाओ, वही कुछ करेंगे। लेकिन शुक्ला जी। नेक्स्ट बैल। अरे यार आटिया, अगर बीमे के पैसे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे लोन लेके भैंस खरीदी नहीं, वो मर भी गई। अब उसके मरने के बीमे के पैसे हमें मिल जाएंगे तो वही कमाल है, तो धंधा बड़ा अच्छा है यार। सुमत, तुम्हारी जान से प्यारी भैंस मरी है। अरे मरी कहाँ है, हम तो नाटक कर रहे हैं। हाँ तो उदास होने का भी नाटक करो, ये इंश्योरेंस वाले बड़े तेज होते हैं, शक्ल देख के पहचान लेते कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ऐसे ठीक है? इतना ज्यादा नहीं यार, तुम्हारी भैंस मरी, तुम्हारा बाप नहीं मरा है। ऐसे? हाँ ये ठीक है, और याद रहे 50% मेरा है। हाँ, तुम्हें यहाँ पे कोई जानता है? अरे मैं दलाल हूँ, मुझे कोई जाने ना जाने, मैं सबको जानता हूँ, और साले ऑफिस वाले सब एक जैसे होते हैं। अच्छा सुन, कान लाए हो? हाँ दोनों लाए हूँ। क्या? हाँ एक यहाँ एक यहाँ। अबे अपने कान नहीं, अपनी भैंस का कान जो काटा था। हाँ, वो भी लेके आया हूँ, अभी दिखाता तुम्हें। ये देख। मेरी भैंस का कान। अबे रो क्यों रहा है, यही 25,000 रुपए भी तो दिखलाएगी। हाँ, ये लगता है। आजा। ए, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? उधर काम था। काम तो ठीक है, क्या काम है? इसकी भैंस मर गई है। तो तुम क्यों बता रहे हो, उसे बता दो। जी मेरी भैंस मर गई है। ओ, तो यहाँ दाह संस्कार करने आए हो? नहीं नहीं, ये तो क्लेम लेने आया है। तो इसे बता दो। जी मैं क्लेम लेने आया। कितने का क्लेम था? 25,000। अच्छा तुम ही बताओ ना। 25,000 का क्लेम था। कब मरी भैंस? कब मरी भैंस? कल मरी। कल मरी। कैसे मरी? कैसे मरी? बीमारी से। बीमारी से। अरे भैंस किसकी है? भैंस किसकी है? मेरी है। मेरी है। तो बार बार उससे क्यों पूछ रहे हो? अरे क्या है कि वो मेरे बड़े भाई हैं। कौन? ये। आप दोनों बड़े हो? नहीं, वो क्या कि हम दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। चलो जी अब चले। हाँ। एक आदमी जाएगा क्या? हाँ तो ठीक है भाई, तुम चले जाओ। भैंस किसकी है? ये मेरी है। तो तुम जाओ। नहीं 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 नहीं, पांडे जी अकेला संभाल नहीं पाएगा बेचारा, बहुत दुखी है ये। चिंता मत करो, पटेल सब संभाल लेगा। पटेल? हाँ हमारे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? तुम्हारी भैंस मर गई है? जी हाँ, कल रात को। कैसे मरी? जी पहले रोई। रोई? नहीं मतलब हंसी हंसी भैंस। हाँ उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ साहब, हमको छोड़ के चली गई। ये देखिए, ये मैं उसका कान लेकर आया हूँ काट कर। ओ, ये तुम्हारी भैंस का कान है? जी हाँ। कभी बीमार हुई थी? जी नहीं। कोई बुरी आदत थी? दारू सिगरेट? दारू सिगरेट? जी नहीं। दूध कितना देती थी? कोई 5-6 लीटर। दिन भर सोती थी? जी नहीं। रातों को अक्सर रोती थी? जी हाँ। कभी कभी खुश होती थी? हाँ हाँ। ओके, मींस केस टेढ़ा है। जी। और तुम्हारी भैंस की लाश कहाँ है? जी मेरे घर पे है। ठीक है, वो तो हमारे डॉक्टर शुक्ला आएंगे, वो चेक करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल नाम बताओ। मुजद्दीलाल प्रसाद। उम्र? उम्र 45 साल। 45? जी। 45 कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, मेरी उम्र 45 साल ही है। ओ भाई साहब, आपकी उम्र नहीं पूछ रहा था, भैंस की उम्र पूछ रहा था। भैंस की उम्र तो सिर्फ 8 साल थी। हाँ, और ये नाम लिखवाया मुसद्दीलाल प्रसाद, वो भी आप ही का होगा। जी वो क्या है कि मेरी भैंस का क्या क्या उसका नाम रखा ही नहीं था ना। अच्छा ठीक है, पता बताओ। मुसद्दीलाल प्रसाद, 501 नवी बस्ती। ओके, हमारे डॉक्टर शुक्ला आकर चेक करेंगे। कब? वो तो वही बताएंगे। जानते हो सुबह से जो है हाथ खर खर खुजली कर रहा है। कर रहा होगा तो कब आएंगे? कहाँ? मेरे घर पे। दावत हुआ था क्या? जी नहीं। तो भैंस मर गई है ना?
शोक सम्मेलन में बुलाना चाहते हम। नहीं नहीं, आप देखेंगे ना आके उसे। अरे यार, तुम्हारी बैल मेरी कोई रिश्तेदार थी क्या? नहीं भाई, आप देखेंगे आके, तभी तो बीमे का पैसा मिलेगा। अच्छा, इंस्पेक्शन करना है, बोलो कब आए? कब आएंगे? कब आए वो तो आप ही बताइए। देखो भैया, इस हफ्ते तो हम थोड़े बिजी हैं, अगले हफ्ते कुछ हो सकता है। हफ्ते के बाद आएंगे भैंस की लाश देखने? और कोई लाश आ सकती हो क्या घर में? नहीं नहीं, और कोई लाश नहीं है, लेकिन भैंस की लाश भाई एक हफ्ते के अंदर तो खराब हो जाएगी। तो क्या करोगे भैंस की फ्रेश लाश का? अचार डालोगे क्या? नहीं, आप इंस्पेक्शन करेंगे ना। एक चीज बताओ, तुम चाहते हो हम इंस्पेक्शन करने? जी वो झूठ नहीं बोल रहे? जी नहीं। भैंस नहीं मरी है ना? नहीं नहीं, मरी है। ये देखिए उसका कान है, ये तो कान किसी भी भैंस का हो सकता है। नहीं, किसी भैंस का नहीं है, ये मेरी ही भैंस का है। तो चलो फिर चलते हैं। तब तो कब आएंगे? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, चलो अभी चल के देख लेते हैं। पर आपने तो कहा था एक हफ्ते के बाद आएंगे। तब हमें शक था। किस बात का? कि भैंस मरी है। और अब यकीन हो गया है। किस बात पर? कि भैंस नहीं मरी है। नहीं मरी है? नहीं मरी है ना। नहीं नहीं मरी है भाई। तो ठीक है, चलो शाम में पता चल जाएगा, आते हैं। तो ठीक है फिर, आइएगा शाम को। जी नमस्कार। नमस्कार। तभी हम कहें हाथ क्यों जो है खर खर खुजली कर रहा है। अरे यार। अच्छा चिंता मत करो, शुक्ला के हाथ की खुजली तो मैं मिटा दूंगा। वो भी खाता है? अरे एकदम लूज कैरेक्टर, खाता है तभी तो जिंदा है। अरे पर करेंगे क्या, भैंस की लाश तो है नहीं, दिखाएंगे क्या? कह देंगे चोरी हो गई। क्या? लेकिन कोई कैसे चुरा सकता है भाई? अरे आपको नहीं पता है, यहाँ तो लोग भैंस का गोबर तक चुरा लेते हैं, आप तो भैंस की लाश की बात कर रहे हो। लेकिन इतनी बड़ी लाश को कौन चुराएगा? खाल बेचते हैं ना, सींग बेचते हैं उसके, आपको पता नहीं है? इसको काट के गोश्त में मिला के लोगों को खिला भी देते हैं। हाँ। अरे यार, तो इंस्पेक्शन कैसे होगा? अब आप करिए इंस्पेक्शन। अरे भैया किसका? ये देखिए, ये यहाँ पे खूंटा है। हाँ है। यहाँ पे एक जमाने में भैंस बंधा करती थी। ओके। यहीं पे वो भैंस मर गई थी। या। अब करिए क्या? इंस्पेक्शन। किसका? भैंस का। भैंस कहाँ है? है ना? नहीं है भाई। है भाई। अरे भैया नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा ए, ए, अब नजर आ रही है? हाँ हाँ, ये तो पाड़ा है। पाड़ा है? ओ अब कुछ बड़ा हो गया। थोड़ा और बड़ा करवाओ अब। अरे भाई ये तो 8 साल की थी, वो तो 6 साल की अभी। अब हाँ, कैसे मर गई, इतनी तंदुरुस्त थी, कैसे मरी, कैसे मरी? बस अब आप रिपोर्ट लिख दीजिए। क्या रिपोर्ट? तुम लोग खुद ही लिख लो यार। अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई। हाँ। आप ही लिखो। अरे यार इतना पैसा मिला, पान खा के आते, तुम लोग लिख लो, हम साइन कर देंगे। क्या लिखें? कैसे मरी? कौन है? रिपोर्ट किसकी लिखवानी है? भैंस की। हाँ तो भैंस कैसे मरी? कैसे मरी भटिया? अब बीमारी लग गई थी। बीमारी लग गई थी? लेकिन कौन सी बीमारी लग गई थी? अब आप डॉक्टर हैं, आप बताइए ना कि कौन सी बीमारी लग गई थी। अरे यार जब भैंस नहीं तो हम इंस्पेक्शन करेंगे तो कैसे बताएंगे? नहीं 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 भाई, डॉक्टर आप हैं, आप तो कुछ भी बता सकते हैं। सुनिए ऐसा कीजिए, लिख दीजिए निमोनिया से मर गई थी। निमोनिया से नहीं, ऐसा लिख दीजिए कि मलेरिया से मर गई थी। मलेरिया? नहीं नहीं नहीं, मलेरिया से नहीं, मलेरिया से नहीं, ऐसा कीजिए कि आप लिख दीजिए ना कि पोलियो से मर गई थी। पोलियो? पोलियो से नहीं तो मतलब ऐसा लिख दीजिए डायबिटीज से मर गई थी। भाई आप पहले सोच लीजिए कि क्या लिखना है। अरे यार तुम ऐसा करो ना, लिख दो टाइफाइड से मर गई थी। टाइफाइड से मर गई थी, मर गई थी, ये लीजिए अब साइन कर दीजिए। साइन तो भैया जब तक कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं तब तक नहीं होगा। जी चाय समोसे लाओ ना कार के। वो हाँ लेके आता हूँ। क्या राजा, लूज कैरेक्टर, तुम्हारा यही धंधा है? यस सर यही। अरे यार तब तो ऐसा करो ना, खूब सारे पेशेंट ले आओ, उनको कहो गरीब लोगों को कहाँ धक्के खाते फिरते रहते, डॉक्टर शुक्ला से आके मिलने, एक मिनट में पेशेंट सॉल्व कर देंगे। अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था आप भी मेरी तरह है, आना जाना लगा रहेगा सर। लाइए। हाँ जी, तो वो रिपोर्ट कब जमा होगी? बस आज ही सबमिट करवा देते हैं। तो आगे कब जाएगी? अरे आज ही चलवा देंगे। तो कब तक पैसे मिलेंगे? अरे राजा जानी उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों, कितना? अरे तो उषा जी ही बताएंगी ना। नहीं तो मेरे पास फाइल आएगी तो मैं चेक करूंगी ना। वो फाइल कब आएगी? वो तो शुक्ला जी जब रिपोर्ट जमा कर देंगे, फिर पटेल जी देखेंगे, फिर पांडे जी लाएंगे। तो शुक्ला जी ने तो रिपोर्ट बना दी है। जमा नहीं की है ना। अच्छा यही तो फिर शुक्ला जी से मिलूं? नहीं पर तुम तो मुझसे मिलने आए थे ना। पर आप ही तो कह रही हैं कि मेरा काम तो शुक्ला जी से होगा। पर मेरा काम तो तुम्हारे पास है ना। आपका काम? यही तो। ये लो कपड़ा, ये लो पेंसिल, और डिजाइन बनाते जाओ। ये पर मुझे तो डिजाइन बनाना आता नहीं है। मुझे क्या आता है, बस ऐसे ऐसी चिड़िया निकालते जाओ। ये ऐसे? यही तो, और तुम्हें तो आता है। अच्छा बनाओ बनाओ, तुम शुक्ला की चिंता मत करो, वो रिपोर्ट कर देगा। जी छोटी छोटी निकालो, छोटी छोटी।
ब्यूटीफुल। और महापुरुष जमा करा दी क्या? हाँ। देखा, हम पैसे खा के गद्दारी कर ही नहीं सकते, तुम्हारे भैंस की रिपोर्ट जमा हो गई। पटेल तो कहता है उसके पास नहीं पहुँची। अच्छा, जरूर पड़ेवा दबा लिया होगा। क्या पानी जो है ना साला, बगैर पैसा खाए फाइल निकालता ही नहीं है। कितने खाता है? 500 रुपए दो, फाइल उड़ के चली जाएगी। 500? हाँ। चल, फाइल आगे ले जाने के। हाँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा। वो तो नंबर पे ही जाएगी। नंबर पे? हाँ, तुम्हारा नंबर लास्ट है। किसके बाद आएगा? अभी वो आया नहीं है। हाँ। उसके बाद नंबर आएगा। क्या? हाँ। देखो पांडे जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अब 500 रुपए कहाँ से लाके दूँ? बीमे का 25,000 रुपए मिलेगा और खुशी से 500 रुपए नहीं दे सकते? मिल जाए तो ले लेना। दे दो तो मिल जाएगा। मुझ पे विश्वास नहीं है। नहीं, आप पे विश्वास है, खुद पे नहीं है। क्या? हाँ, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं बगैर खाए काम कर दूँ। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, फिर देता हूँ 500 रुपए, आप अपने पे विश्वास पैदा करो और मेरी फाइल आगे करो। ये बस, आप आगे आगे बढ़ो, पीछे पीछे फाइल बढ़ रही है। तो मैं पटेल साहब से जाके मिलता हूँ। नहीं भाई, पेपर्स पूरे नहीं होंगे तो फाइल आगे कैसे बढ़ेगी? पेपर्स तो पूरे हैं साहब। कहाँ पूरे हैं? भैंस कहाँ से खरीदी इसकी रिसीट भी नहीं है, और बीमार हुई थी, टाइफाइड हुआ था, तो इलाज कहाँ कराएगा? मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है इसमें। क्या? हाँ, इलाज तो हमने कराया ही नहीं। क्यों? अब टाइम ही नहीं मिला हमें। रात को वो रोई, फिर हंसी, फिर टैं हो गई। ऐसा कैसे टैं हो गई? अभी तो बोल रहे थे कि टाइफाइड हुआ था, और टाइफाइड में तो बीमारी लंबी चलती है। अच्छा, और शुक्ला जी तो कह रहे थे टाइफाइड ही हुआ था। उसे क्या पता? तो किसे पता? अरे, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। वो डॉक्टर ही है ना। कौन बोला? आप ही तो बोले थे। मैं? हाँ, वो मैं नहीं, मगर इसकी जाँच होगी भाई साहब। किसकी जाँच होगी? डेड बॉडी की। किसकी डेड बॉडी की? तुम्हारी। नहीं, पर मैं तो जिंदा हूँ। ओ, तब तो गड़बड़ है। क्या? हाँ, ये बीमा किसका लेने आया था? भैंस का। हाँ, तो भैंस की डेड बॉडी की ही जांच होगी ना भाई साहब? वो तो हो नहीं सकती। क्यों? हमने उसका दाह संस्कार कर दिया ना। फिर तो मुश्किल है भाई। क्या? हाँ, आपका केस तो पेंडिंग रहेगा। नहीं, मैं समझा नहीं। अरे, समझ तो मैं नहीं पा रहा हूँ। आपने भैंस कहाँ से खरीदी, उसकी रिसीट नहीं है, टाइफाइड हुआ था, अचानक मर गई, और फिर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। ये तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली गड़बड़ है भाई। ये तो पुलिस इंक्वायरी होगी अब। क्या? हाँ। नहीं, पर क्यों? क्योंकि हमें डाउट है कि आपने अपनी भैंस को मार डाला सिर्फ बीमा की छोटी सी रकम पाने के लिए। नहीं नहीं, मैंने अपनी भैंस को नहीं मारा। तो किसने मारा? वो खुद ही मर गई। हैं? ऐसे कैसे मर गई? वो तो पुलिस इंक्वायरी होगी, तब पता चलेगा। अरे देखिए पटेल साहब, ये पुलिस इंक्वायरी छोड़िए, जो बात करनी है यहीं कर लीजिए। तो सुलझा लें। हाँ, सुलझा लीजिए। तो सुलझाओ। कैसे? कैसे कैसे? पैसे। कैसे पैसे? कैसे पैसे? मतलब कितने पैसे? बीमा कितने का था? 25,000 का है। 25,000? ओके, 25,000 ना, 8% था, ले अपने 25,000, 8% ले 2,000, 2,000 रुपये। क्या? हाँ। और वो केस? वो केस तो सुलझ जाएगा। और टाइफाइड? टाइफाइड तो भाई ठीक कराना होगा। और ठीक कौन करेगा? शुक्ला, और कौन? अब इस दोपहर में क्या ठीक कर दे? टाइफाइड मतलब तुम्हारी भैंस तो मर चुकी है ना। हाँ, तो ठीक कर दो। मरी हुई भैंस का? ओ शुक्ला, अरे जिंदा भैंस का तो टाइफाइड ठीक नहीं कर सकते, मरी हुई भैंस का तो कर दो। चलो ठीक कर देते। कहाँ ठीक करना है? यहाँ फाइल में। लो, निकालो फाइल में, कर देते। ये लो। अरे ये क्या है? पेन। पेन से टाइफाइड ठीक होगा? हाँ। चलो ठीक कर देंगे, लेकिन फीस तो दोगे ना? अरे फीस तो दी थी उस दिन मैंने। अरे वो तो टाइफाइड कराने के लिए था। क्या? और ये टाइफाइड ठीक कराने के लिए। नहीं नहीं, दोबारा फीस नहीं दूंगा मैं। नहीं दोगे ना? पटेल समझाओ भाई। ओ भाई साहब, देखो फीस दे दो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो टाइफाइड ठीक होगा या तो नहीं होगा। होगा कहाँ से? और नहीं हुआ तो दो बातें होंगी, या तो आपको क्लेम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलना तो मुश्किल है, और नहीं मिला तो दो बातें होंगी, या तो आप यहाँ के चक्कर लगाएंगे या तो नहीं लगाएंगे। नहीं लगाया तो कहाँ जाएंगे, और यहाँ लगाया चक्कर तो फिर दो बातें होंगी, या तो चक्कर लगाते ही लगाते बीमार हो जाओगे या तो मर जाओगे। मर गए तो ठीक, मगर चक्कर लगाते लगाते बीमार हो गए तो दो बातें हो सकती है, या तो पोलियो होगा या तो टाइफाइड होगा। पोलियो हुआ तो भी ठीक, मगर टाइफाइड तो दो बातें होंगी, या तो इलाज फ्री में होगा या तो इलाज के 15,000-20,000 लगेंगे। इलाज फ्री में हुआ तो मर गए समझो, और 15,000-20,000 लगे तो फिर ठीक है, 15,000-20,000 का खर्चा करो, मगर यहां 500 रुपए में टाइफाइड ठीक करा रहे हैं, टाइफाइड से मुक्ति दिला रहे हैं, तो वो नहीं कराना चाहते हैं आप? ठीक है भाई, कर दो। क्या? टाइफाइड? हां हां, मतलब ये लो, ये मुक्ति दिलाओ मुझे उससे, और ये लो 500 रुपए, ये लो। ओए भैया, तुम्हारा भाग को टाइफाइड हो गया? हां। अरे भाई शुक्ला, मेरी फाइल में एक प्रॉब्लम है कि ये भैंस किस बीमारी से मरी थी। आंखें? अरे भैया कैसे मरी थी भाई? अब मुझे क्या पता? वो हार्ट अटैक। क्या? हाँ, दिल का दौरा पड़ने से भैंस मर गई। हाँ, दिल का दौरा? मतलब कैसे? मतलब वजह क्या थी? भैंस को बहुत टेंशन हो गई थी। पटेल, घी खाने से ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और भैंस के दूध से घी बनता है,
तो सोचो कितना कोलेस्ट्रॉल होगा भैंस के अंदर। ओके ओके आई थिंक यू आर राइट, हार्ट अटैक लिख दो फाइल में। ये लो भैया तुम्हारे भैंस का डेथ सर्टिफिकेट। अब बीमे का पैसा कब मिलेगा? कब मिलेगा, कब मिलेगा पटेल? अरे भाई ये तो फाइल उषा जी के पास जाएगी, वहां से हेड ऑफिस जाएगी, फिर फाइल वापस आएगी, तब मिलेगा। तो फिर भिजवाओ ना। अरे ये तो पांडे जी का काम है ना, तो पांडे से बोलो लेके जाए। अरे पांडे बोलने से ले जाते तो क्या बात थी। तो क्या बोलने से ले जाएंगे? पांडे जी। अरे पांडे जी, पांडे जी। अरे ले तो जा रहे हो तुम्हारी फाइल। अरे पहले मेरा काम करा दो। नहीं नहीं तुम्हारा नंबर 10वां। अरे आप ऐसा करो ना, 10 में से जो सामने 0 होता है वो हटा दो। मतलब मैंने 20 रुपए भी तो दिए आपको। तुम्हारे 10 में से 0 हटाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? मतलब तुम्हारे 10वें नंबर में से 0 हटाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाओगे? एक काम करते हैं, तुम्हारे 20 के आगे लगा देते हैं। तो लगा दो। तो लाओ 180। क्या? अरे 20 के आगे 0 लगाओगे तो कितना हो गया? 200। और 200 में से 20 घटा दो कितना हुआ? 180। तो लाओ। ये तो बहुत ज्यादा है। अरे कहाँ ज्यादा है, तुम्हें बोला 0 लगाओ, 0 हटाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, निकाल ही लिया 20 रुपए पहले से। ये लो 200। ये लो 20। बोलो अब ये फाइल लेके डायरेक्ट चले जाओ उषा जी के पास। डायरेक्ट? हाँ अभी अभी उन्हें जरूरत है। क्या? सब्जी लेके आई है। क्या? यही तो देख, तू उसे बोल दे वो मेरे साथ बात ना करे, और ना ही मेरे सास के साथ। और नहीं तो क्या, उसी ने तो बिगाड़ा मेरी सास को। आजकल कुछ काम नहीं करती घर में, सारा दिन टीवी देखती रहती है। यही तो मैडम कट गई। मैडम कट गई? नहीं नहीं मतलब मैडम सब्जी कट गई। ओहो मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। अरे वाह तुम तो बड़ी अच्छी काट लेते हो। मैडम अब फाइल भी आगे बढ़ाते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, बस ये लो हो गया साइन। ये बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो आपके पास ही रखो आप। तो फिर आपको क्या दूं? दिल है तो दे दो। क्या? 6,000। क्या? हाँ आज दो, कल हेड ऑफिस में फाइल जमा होगी। तो रकम कब मिलेगी? अगले हफ्ते आकर ले जाओ। उसे दिलाल, ये लो तुम्हारा चेक। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाके कहीं मेरी मरी हुई भैंस की आत्मा को जहाँ कहीं भी वो है शांति मिली होगी। कौन सी भैंस? वही जो मरी थी। हाँ हार्ट अटैक से जो मरी थी ना। वही जिसकी लाश नहीं मिली थी। जी 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 वही 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 वही। झूठ बोलते हो? आपको कैसे पता? नहीं मेरा मतलब था कि आपको कैसे पता के आपके पास भैंस थी ही नहीं। पशु बीमा को बेवकूफ बनाते हो? नहीं हम क्या बनाएंगे। आप लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत है क्या? मतलब हम पहले से? बेटा हमें सब पता है कि ये पैसा तुम फ्रॉड करके ले जा रहे हो। क्या? जब भैंस थी नहीं तो मरती कहाँ से? फिर भी हमने तुम्हें पैसे दिए क्यों? अब हमको क्या पता? आप चुप, हमको क्या पता। देखिए वो क्या, क्या क्या है कि अब गलती हो गई हमसे, आप लोग प्लीज कोई एक्शन मत लीजिएगा। लेंगे एक्शन लेंगे। क्या? तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या? हाँ तुम्हें दूसरी भैंस को भी मारना होगा। लेकिन दूसरी भैंस तो है ही नहीं ना। अबे पहली कहाँ थी बे? एक कान और लेकर आओ। कहाँ से? अरे जिस भैंस का पहला कान काटा था उसका दूसरा होगा ना। हाँ वो तो है, तो वो काट के ले आओ। क्या? हाँ दूसरी का भी क्लेम दे देंगे। यही तो, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। क्या क्या क्या? अरे भाई आइडिया बड़ा सही लग रहा है। यार वैसे भी मेरी कनकटी जो भैंस है ना वो एक कान में ना कुछ जम नहीं रही थी। बस तो फिर दोनों कान कट जाएंगे ना तो कुछ जमने लगेगी। हाँ तो जल्दी ले आओ, डाइंग तो सीधा दूसरा कान। नहीं मगर दूसरे में कट गया तो किसी और का ले आएंगे। तो उसका भी कट गया तो तीसरी का। हाँ हिंदुस्तान में जानवरों की कमी है क्या? यही तो, जब तक हिंदुस्तान में जानवर है तब तक एक दूसरे के कान काटते रहेंगे। हाँ और हम जैसे दलालों के पेट भरते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, मगर अगर सारे जानवरों के कान कट गए तो फिर तुम्हारे जैसे इंसानों के काटना शुरू करेंगे। तुम्हारे जैसे इंसानों के काटना शुरू करेंगे। तुम्हारे जैसे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।